हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। मैं समर स्पेशल मसाला छाछ बनाने जा रही हूं। ये केवल गर्मी में नहीं, हम 12 महीने इसका सेवन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो हम लोग काली मिर्च, जीरा, काला नमक, अदरक यूज़ कर रहे हैं, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखता है। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। फ्रेश दही है घर में बना हुआ, 1 नींबू, पुदीना पत्ता, काला नमक, भुना जीरा पाउडर, चाट मसाला, 2 हरी मिर्च, आधा इंच अदरक का टुकड़ा और धनिया पत्ती, सादा नमक, आइस क्यूब। ये दही 1/2 kg मिल्क का बना हुआ है। सबसे पहले हम लोग मिक्सी के जार में पुदीना ऐड करते हैं, उसके बाद अदरक का टुकड़ा, हरी मिर्च और धनिया पत्ती, इनको डालकर एक बार ग्राइंड कर लेते हैं। यहाँ पे हमें इनको फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। उसके बाद हम लोग इसमें ऐड करते हैं दही। दही ऐड करने के बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे नींबू। नींबू का हम लोग सीड्स निकाल लेते हैं, नहीं तो वो कड़वा लगेगा। फिर उसके बाद काला नमक, भुना जीरा पाउडर, सादा नमक जो हम लोग रेगुलरली यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे 2 ग्लास वाटर्स, आप दही के अकॉर्डिंग पानी ऐड करना। देन आफ्टर हम लोग उसको एक बार और ग्राइंड कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग चेक करते हैं। देन आफ्टर हम लोग उसमें ऐड करेंगे आइस क्यूब्स। आइस क्यूब डालने के बाद एक बार और घुमा लेंगे और हमारा मसाला छाछ बनके रेडी है। अब हम इसको ठंडा ठंडा पुदीने के साथ गार्निश करेंगे और ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला डालकर सर्व करेंगे। चाट मसाला ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।